विमोचन दो ऐसे कलाकारों से हो रहा है जिनकी आवाज सीधे सीधे माटी से जुड़ी है। मुझे इस बात का बहुत गर्व है। एक माटी से जुड़ी धरोहर की एल्बम का रिलीज उन दो आवाज से है जो मुझे लगता है कहता कयामत जब भी म्यूजिक इंडस्ट्री में संगीत की बात होगी तो वाकई माटी की यदि किन्हीं की आवाजों में कशिश दिखती है तो शायद आप दोनों कलाकारों से बढ़कर वो कोई कलाकार ही नहीं हो सकते। जहां पे कहा जाएगा कि सीधे लगता है कि खालिस हिंदुस्तानी देसी आवाज, एक हम अपनी मिट्टी की आवाज सुन रहे हैं, ये मेरा बहुत सौभाग्य है। दूसरी बात, यहाँ सबसे पहले मैं परम आदरणीय इला जी को बहुत बहुत नमन करती हूँ और उनका ये इतना बड़ा मेरे ऊपर मैं कहूंगी आशीर्वाद है। उनका ये स्नेह और उनका कितनी वो अच्छी इंसान है ये इस बात से पता चलता है क्योंकि हाल ही में बहुत व्यक्तिगत एक निजी पीड़ा से गुजरी है। उनकी माता जी का देहावसान हुआ। हम लोग खुद उनको, मैं व्यक्तिगत रूप से, हमारी माँ उनको बहुत मानती थी और घर से उनको नाम भी लेती थी। ये उन्होंने मुझे खुद बताया कि मैं इधर कहीं जा ही नहीं रही थी, मालिनी तुम्हारी बात है इसलिए मैं जरूर आऊंगी। और मुझे लगता है कि मंच पे तो एक गुरु शिष्य का हम लोगों को घराना दे दिया, वो एक स्क्रिप्टेड था, टीवी की ओर से मिला था, लेकिन शायद ये दिल की बात होती कि कोई गुरु वाकई में शिष्य को सिर्फ माने ना, बच्ची की तरफ ना ले। ये मेरा बहुत बहुत, मैं आपको किन शब्दों में इसके लिए धन्यवाद कहूं क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने ये बहुत आउट ऑफ द वे आकर के किया है। दूसरी बात, यहाँ पर आज की तारीख में मैं कहूंगी कि कैलाश जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने बलबूते पे पूरी तरह से, मैं कह सकती हूँ कि कोई यदि एक ऐसे कलाकार है जिन्होंने नॉन फिल्मी फिल्मी दोनों जगत में शायद ये दिखाया है कि यदि कोई 24 कैरेट खालिस टैलेंट हो तो वो किस तरह आकर के उसका जादू सबके सिर पे चढ़ के बोल सकता है। वो आपसे बढ़कर उसका कोई मुझे लगता है नमूना नहीं है। आपने, आप स्टेज रॉक करते हैं, आप हर चीज गाने में हरफन मौला है और बोलते कितना अच्छा है, सोच कितनी अच्छी, वो आपने अभी देख लिया। जब मैं बहुत छोटी